नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती देवी आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि किचन की कौन से ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं जिनको हम कवर करें और अपने वास्तु को बैलेंस करें तो हमारे घर में दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी, एक तो धन, दूसरा निरोग्य काया। इंसान जो इतना जीवन जीता है, इतना संघर्ष करता है, वो इन दो प्राप्तियों के लिए करता रहता है। बाकी सब चीज़ें तो उसके लिए जस्ट एड ऑन्स हैं, क्या आ गई ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। बट ये दो मेजर एलिमेंट हैं जो कि वाकई ही एक मनुष्य के जीवन में या उसके परिवार में बहुत ही प्रमुख प्रभाव देता है। आज मैं सबसे पहले बात करूंगी फ्रिज पे। फ्रिज को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि फ्रिज को यहाँ नहीं रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, या कन्फ्यूजन क्रिएटेड रहती है कि फ्रिज रखना कहाँ चाहिए। आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रिज कौन सा एलिमेंट है, यानी कि कौन से ग्रह को दर्शाता है। वो गैस से संचालित है, यानी कि उसके अंदर गैस अगर भरी रहती है तो वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अगर गैस नहीं होती तो उसका काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। जो भी चीज़ गैस से जुड़ी हुई होगी वो हमारी राहु होगी। राहु का एलिमेंट कभी भी घर के नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको मेंटल टेंशन देगा और घर में वाद विवाद खड़े करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं गैस स्टोव को लेके। बहुत सारे मिथ भी हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं लोगों के माइंड में कि गैस स्टोव रखना कहाँ चाहिए। देखिए, अग्नि यहाँ पे प्रोमिनेंट होती है, यानी कि गैस जब भी जलती है, यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा तो सिलेंडर तो यहाँ भी है, लेकिन आपने कभी गौर फरमाया होगा तो वो सिलेंडर जो है वो आग जलाने का काम कर रहा है। अगर वो आग जलाने का काम कर रहा है, यानी कि वो मंगल को अपने अंदर से उत्पत्ति दे रहा है। मंगल जब भी राहु के ऊपर आ जाएगा तो राहु सप्रेस हो जाएगा, यानी कि वहां राहु की पावर वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम गैस को, सिलेंडर को बहुत प्रोमिनेंट नहीं समझेंगे। यहाँ पे हम अग्नि तत्व को लेके चलेंगे कि वो यहाँ पे हमें क्या दे सकता है। अगर हम साउथ ईस्ट में अपना गैस स्टोव रखते हैं तो वहां पे अग्नि का वास होता है, वहां से धन का आगमन शुरू होता है। अग्नि धन को सिंबलाइज करती है और वो वहां के नए नए मार्ग खोलती है। नेक्स्ट है हमारा वाटर सिंक, यानी कि जहां आप बर्तन धोते हैं और जहां पानी का आपका फ्लो बना रहता है। सबसे अमेजिंग उसकी जो जोन रहती है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट रहती है। जितना जल इन दोनों दिशाओं में रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। हमारी प्लेसमेंट जो देसी घी है, अगर हम अपने किचन में, हमारे पास कैनेस्टर्स होते हैं या आप एक किलो देसी घी का डिब्बा रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, अगर इसको आप अपने घर के साउथ ईस्ट प्रॉपर किचन के कोने में, अगर साउथ ईस्ट में रखते हैं, यानी कि अगर आपकी किचन किसी और जोन में है, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो जहां आप गैस प्लेस कर रहे हैं साउथ ईस्ट में, उसके अगल बगल जोन देखिएगा, वहां पे इसको रखते हैं तो आपके घर में इम्यून फैक्टर लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि जिनके घर में लोग बार 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 बीमार होते हैं वो बीमार होना बंद हो जाएंगे और उनको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी बॉडी में। ये कुछ छोटी सी टिप्स थी जिससे आपकी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टिप्स हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको मिलेंगी। डॉक्टर आरती दहिया को आप फॉलो कीजिए और पूरे बेनिफिट्स अवेल कीजिए। नमस्कार।